हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमेज़न ब्यूटी हॉल, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, कुछ मैं आपके साथ हेयर स्टाइलिंग टूल्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने इस बार अपने वैनिटी में ऐड किया है। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जो सबसे पहली प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक हेयर स्टाइलिंग टूल्स। सो मेरे पास काफ़ी सारे हेयर स्टाइलिंग टूल्स है, लाइक कर्लर भी है मेरे पास, स्ट्रेटनर भी है मेरे पास, बहुत सारे हेयर ड्रायर्स भी है, बट मेरे पास एक भी क्रिम्पर नहीं था। सो इस बार मैंने क्रिम्पर पर इन्वेस्ट किया एंड मैंने लिया है अगारो का ये क्रिम्पर, और ये आपको 1000 के अंदर मिल जाएगी। सो अभी तक मैंने इसको ट्राई आउट नहीं किया, इसका जल्द ही मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट तो मैं बस इसलिए खरीदती हूँ ताकि मैं उसका अच्छा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं इसका जल्दी वीडियो शेयर करूंगी एंड फुल डिटेल आपको अगर देखना है तो वेट करिए, मैं जल्दी लेकर आऊंगी इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो। तो गाइज, ये हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट तो कम से कम खोल के मैं आपको दिखाई सकती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह का है एंड ये देखिए इस तरह का यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बना हुआ है जो कि आपके बालों को क्रिम्प करेगा, और ये इस तरह के वायर में है। एंड जो भी डिटेल्स आपको अगर आप देखना है गाइस, तो इसका जब डेडिकेटेड वीडियो आएगा तो ज़रूर देखिएगा। प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अगारो एंड ये है अगारो का हेयर ड्रायर। सो ऐसा ही एक हेयर ड्रायर मेरे पास है गाइस, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू शेयर किया हुआ है, बट ये मैंने मंगाया था गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि एक शादी में जाना था मेरी फैमिली को, तो बहुत सोच रहे थे क्या दे। तो 1000 के अंदर ये आपको बहुत ईजिली मिल जाता है। सो मैंने सोचा ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा उनके लिए, न्यूली वेड के लिए, है ना। तो ये भी मैं आपके साथ जल्दी इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूंगी, शेयर करने में क्या ही जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से दिखने में कैसा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 2 साल की वारंटी के साथ ये मिलता है, इतना आप देख सकते हैं, हेयर इट इज़। ये देखिए कितना ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, एंड ये जो है इसका वायर है। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वाओ स्किन साइंस का ये एलोवेरा बॉडी लोशन। एंड गाइस, ये फुल बॉडी पे भी आप लगा सकते हैं, स्किन पे अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, एंड ये 500 ml की प्रोडक्ट की इसके अंदर क्वांटिटी है गाइस, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, क्योंकि अभी समर्स आ रहा है ना, तो समर्स में भी मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी रूखी सूखी सी हो जाती है। आई थिंक कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी स्किन रुकी सुकी हो जाती होगी समर्स में भी, तो इसके लिए मैंने ये वाला मंगाया। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है डमाको का ये बेबी क्रीम, और ये है डमाको की न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट में से, एंड इसका मैं फुल डेडिकेटेड वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। वैसे मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो फॉर श्योर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा। मैं इसकी इंटरनल पैकेजिंग दिखा देती हूँ, उस तरह की ये ट्यूब में है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये जो है बीबी क्रीम है फॉर मीडियम स्किन टोन एंड फेयर स्किन टोन, जिनकी भी जो है वार्म साइड पे है या फिर न्यूट्रल अंडर टोन है गाइज, वो इसको ट्राई आउट करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लाएगा एंड डेली यूज़ के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट गाइस, मैं आपके साथ एक और न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि है माई ग्लैम की, एंड माई ग्लैम का ये है बीबी क्रीम, सुपर सीरम बीबी क्रीम, और इनका एक पूरा जो रेंज है ना वो लॉन्च हुआ है, तो उस रेंज में से मैंने इसको लिया है। ये प्रोडक्ट मुझे शुरू में बहुत अच्छा लगा, बट फिर बाद में मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी का, बट इसके अंदर SPF 50 है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये बहुत ही अच्छी, और इसके अंदर 4 शेड भी अवेलेबल है, अभी पता नहीं ये क्यों निकल नहीं रहा है, एंड इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ भी किया। ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी का तो है, बट बहुत ही ईजिली जो है वो ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने जो ये शेड लिया है वो है 101 आलमंड, एंड यू कैन सी द विजिबल डिफरेंस ऑन माई हैंड गाइज, एंड आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। डेली यूज़ के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, मैंने लिया है माई ग्लैम का ये पॉप एक्सो मिनी नेल पेंट किट, और ये मैंने पहले भी लिया हुआ है गाइस, बट इस टाइम मैंने रेड फैमिली वाले से लिया है। इसमें सारे आपको रेड कलर के ही मिल जाएंगे, लाइट मरून, डार्क मरून, रेड, बहुत सारे जो है इसमें आपको शेड्स मिल जाएगा। बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, आपको 199 में मिल जाएगा। कभी ट्राई नहीं किया है ना, हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, उसको एक बार ट्राई आउट ज़रूर करना। एंड गाइज, माई ग्लैम का एक और प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया है, और वो है मिनी लिप किट। इसमें आपको 3 का शेड मिल जाता है, और ये है
पॉप एक्सो की मेकअप कलेक्शन से फिलिंग पीची, एंड ये है मिनी लिप किट। इसमें आपको छोटे छोटे इस तरह के तीन जो है मिनी लिप किट मिनी लिपस्टिक मिल जाएंगे, ठीक है। और ये भी आपको जो है वो 250 के अंदर मिल जाता है, 199 के रुपीस के अंदर आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, एंड इसमें आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये पहला न्यूड कलर में है, दूसरा रेड कलर में है, और एक मरूनिश कलर में है। गाइस, फेस वॉश को मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ना फेस वॉश का बहुत ज़्यादा खर्चा है, मतलब हर 15-20 दिन के बाद एक फेस वॉश तो खत्म होना ही होना है। इसलिए इस बार मैंने बड़ा वाला फेस वॉश मंगाया है, और मैंने ट्राई आउट किया है न्यूड का ये गोट मिल्क फेस वॉश। जी हाँ गाइज, और ये बिग जो है बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था। सबसे अच्छा मुझे ना इसका बॉक्स लगा गाइज, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे छोटा सा गोट भी बना हुआ है बेल टाइप का। तो गाइज, ये है बहुत ही अच्छा बॉक्स इसका है, एंड जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेम्पलेट दिया जाएगा, तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। देन वी हैव गाइज दीज पाउच जो कि ब्लू कलर का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, और आप इसको ट्रैवलिंग के दौरान लेके जा सकते हैं। यहाँ पे न्यूड की ब्रांडिंग भी की गई है, यहाँ पे आपको इस तरह का चेन मिल जाता है, तो इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है वो रख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली इसको बनाता है। एंड गाइज, दिस इज़ आर हीरो प्रोडक्ट जो कि है फेस वॉश। गाइज, दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 300 ml की इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, एंड इसकी जो प्राइस है वो है 600 rupees। काफ़ी सारे लोग जो है ना हमेशा कमेंट में पूछते रहते हैं कि हमारी ड्राई स्किन है तो हमें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। तो गाइज, मैं अगर बोलूँ ना तो आप ये वाला फेस वॉश एक बार ज़रूर ट्राई करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है गोट मिल्क, और गोट मिल्क जो होता है ना गाइज, उसके अंदर नेचुरली AHA होता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि आपके स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को निकालता है और डर्ट्स को निकालता है बहुत ही इजी वे में। और सो गाइज, इसके अंदर होता है एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज, जो कि आपको इन्फेक्शन होने से बचाता है स्किन के, एंड इसके अंदर जो विटामिन B1, B2, B3, B4, B6 तक के पाए जाते हैं, जो कि आपकी एजिंग के साइनों को होने से बचाता है गाइज। जी हाँ गाइज, और ये जो है ना आपको कभी भी ड्राई स्किन नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर गोट मिल्क होता है। तो जिन लोगों को भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है ना, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो बहुत ही अच्छा इसका स्मेल है, एंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है गाइज। बिल्कुल भी स्ट्रिप्स आपके जो स्किन पे ये पैदा नहीं करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ऑल्सो गाइज, जिन लोगों को एक्जिमा या फिर सरोसिस या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइज, अगर आप कोई अच्छा सा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी ड्राइनेस को दूर करे, आपके जो गंदगी है, जो डर्ट्स है, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसको दूर करें, थोड़ा बहुत आपका स्किन को एक्सफोलिएट करे, तो आप ट्राई आउट ज़रूर करें इस वाले फेस वॉश को। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये सेंट बोटानिका का मोरक्कन आर्गन ऑयल, और ये है डे क्रीम विथ SPF 30 UVA और UVB PA PPPA++ के साथ। गाइज, ये बहुत ज़्यादा लग्जीरियस पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है गाइज, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक पहले जो हम लोग पॉन्स क्रीम यूज़ करते थे ना बचपन में, तो उसी टाइप का है, एंड आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा रिच जो है इस तरह के बॉटल में आया है। अब मैंने एक माई ग्लैम का जो है ना वो ये आईलाइनर लिया है, जो कि कलरफुल वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है, 199 में आपको ईजिली मिल जाएगा। मैंने पिंक कलर में लिया है, और नेक्स्ट टाइम मैं ग्रीन में सोच रही हूँ लेने का। तो ये इतना छोटू सा जो है ना पैकेट में आया था गाइस, इसका जो टिप है गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, मैंने ये सेंट बोटानिका का मंगाया था भृंगराजन आंवला हेयर ऑयल। एक्चुअली मैंने इनका शैम्पू ट्राई किया था गाइस, शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा वाई नॉट एक बार इनका हेयर ऑयल भी ट्राई करके देखती हूँ, तो मैं इसका हेयर ऑयल भी ट्राई करूँगी, एंड मैंने इसलिए इनका जो है ना वो डे क्रीम वाला वो भी मंगाया था। तो मैं आपको इसको इंटरनली खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह के कॉम्ब के साथ आता है ये जो है ना, इस तरह के 100 ml की प्रोडक्ट की क्वांटिटी है गाइज इसकी, इस तरह से इसकी जो पैकेजिंग है, एंड ये जो है ना आपको एक कॉम के साथ आता है। तो मैं इसी को ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल मैं ऑयलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, और मेरा वैसे आजकल बहुत ज़्यादा हेयर लॉस तो नहीं हो रहा, बहुत अच्छा अभी माशाल्लाह से मेरे बाल है, बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैंने इसको हेयर ऑयलिंग के लिए मंगाया, तो लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड सबका मैं डिटेल रिव्यू जल्द ही अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए
हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा विद द बेल, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आज का ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई तो अपना बहुमूल्य वोट देके मतलब सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सो कॉमेंट भी जरूर करिएगा। तो गाइज अब मैं आती हूँ किसी अच्छे प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।